अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक राणा पिजन क्लब। उम्मीद है सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो रिक्वेस्ट यही है जो भाई चैनल पे नहीं है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, तो सीन कुछ ऐसा है, बहुत ही चेक करेंगे यार क्या चीले हैं यार, क्या वो सही नजर नहीं आ रही। इतनी चीले हैं यार, इतनी चील आ गई है, पता नहीं कहाँ से ये चील आ गई है सारी लाहौर में। तो बकाया अभी ऊपर आए हैं, दाना शाना लेके आए हैं। ये देखें नूरे भाई की दुकान से दाना शाना लाए हैं, तो माशाल्लाह ऊपर आए हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि छम्मा भाई का मामू वाला कबूतर, मुझे शक पड़ा है कि वो किसी अपने बंदे ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, बंदा भी अपना बड़ा क्लोज है। तो छम्मा भाई, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है ठीक है, तो अगर आप तक करें हमारे साथ, नंबर शंबर मैं बता देता हूँ आपको, थंबनेल पे लगा दूंगा, यहाँ कैप्शन में दे दूंगा नंबर। ठीक है, तो उस्ताद बिल्ले का मामू वाला कबूतर, मुझे झलक पड़ी हल्की सी कि वो भट साहब ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो बाकी आपके लिए वीडियो है ये, आपने मुझे कबूतर की पिक सेंड करनी है पर्सनल। ठीक है, पिक सेंड करनी है, रंग शंग मुझे बताना है कौन सा लगा हुआ है रंग उसे। तो बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा जी आपका कबूतर मिल जाए यार, शौक वाला कबूतर किसी का भी है, वो वापस करना चाहिए, हम तो इसी बात पे एग्री करते हैं। बाकी इनकी ताशा डाला है इन्हें, देखें कुछ कबूतर ऊपर है, 8-10 ज़्यादा ही है बल्कि, ये चेक करेंगे बच्चा, सुरखा सा बच्चा पकड़ा है। तो बाकी छम्मा भाई, उस्ताद जी, उस्ताद बिल्ला जी, आपका कबूतर मुझे डाउट है कि बादशाह ने पकड़ा, क्योंकि बादशाह ने 4-4, 5-5 मोरों वाले ना कोई 3-4 कबूतर पकड़े हैं। ठीक है, ये पीछे ही ना 4-5 दिनों में, संडे को भी बादशाह ने 3-4 पकड़े हैं, पीर को भी 2 पकड़े हैं जिनको 4-4, 5-5 मोड़े लगी हुई। ठीक है, तो नंबर शंबर भी लगा होगा, पता नहीं, बादशाह ने फ़ोन नहीं किया उन्हें। बाकी आप मुझे अपने कबूतर की तस्वीर सेंड करना, कौन सा कबूतर है, किस तरह का, तो मैं आपके साथ लाजमी वीडियो शेयर करूंगा अगर वो कबूतर आपका हुआ। ठीक है, बकाया ये कबूतर शबूतर अंदर ही है, इनकी डिवर्मिंग की थी कल, सफाई भी करने वाली हुई है। तो बाकी अपना सीन ये है कि तो शबूतर नहीं निकाले भाई राज, तो अभी माशाल्लाह कबूतर शबूतर लाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो फिर देखेंगे क्या सीन चलता है। बाकी अपडेट यही है कि बच्चे बुच्चे व्हाट्सएप ने पकड़े हैं, व्हाट्सएप से भी लेके आते हैं, हमजा से भी लेके आने हैं बच्चे, तो बच्चे बुच्चे ला के ना कोई सीन कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अब क्या करना है तैयारी शैयारी का। टाइम होना चाहिए यार, टाइम होना, बंदा फिर सब कुछ कर लेता है, तैयारी शैयारी का तो कोई बात नहीं है, हो जाती है वो। बाकी सबसे पहला पॉइंट ये है कि टाइम होना चाहिए आपके पास। तो देखो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, बच्चा एक पल रहा है, पल इसने जाना, दाना टूटो हो गया, पर कोई नहीं, पल इसने जाना। तो अभी तक किसी जोड़े ने अंडे नहीं दिए बाबा जी, किसी ने भी नहीं दिए हुए, सिस्टम भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिवर्मिंग की है। मैंने कहा चलो डिवर्मिंग के साथ ही कोई फल है जिनको पड़े, इनके जरा कीड़े शीड़े ख़त्म करें, तो दी थी कल इनको, आज फिर देनी है, 4 दिन का कोर्स है वो, अब करवाया शुरू इनको, 2 दिन हो गए हैं, 3रा दिन आज है, इतवार को 4था दिन होगा। ठीक है, ये देखें पानी शानी नहीं डाला इन्हें, सुबह का ही रात का ही पानी डाला है वो वाला, तो अभी 4 बज गए हैं, तो इन्हें दाना पानी कर देते हैं टाइम से ही, ताकि ये खाए पिए, ये प्यासे हो गए हैं काफ़ी। तो बाकी साथ जी आपने रहा करना है मेरे साथ, ठीक है, अगर आप तक वीडियो जाती है, अगर नहीं जाती तो जो उनके देखने वाले हैं वो छम्मा भाई को लिंक शिंक सेंड कर देना वीडियो का। ठीक है, हमारी तो कोशिश यही है कि यार उनका कबूतर अच्छा है, गिजा हुआ कबूतर है और उड़ा हुआ कबूतर है बाजी में, कर उनको मिल जाए। बादशाह फ्री तो नहीं देंगे, अगर हुआ उनके पास तो थोड़े बहुत पैसे लेंगे, बाकी कबूतर आपको मिल जाएगा अगर आपका होगा। आपने बस काम ये करना है, आपने मुझे कबूतरों की
उस कबूतर की ना फुल सही तरह फोटो सेंड करनी है या वीडियो जो पड़ी हो आपके पास 25-30 सेकंड की, क्या क्या निशानी है उसकी, कौन सा रंग लगा है, ठीक है, वो आपने वीडियो बना के शेयर कर देनी है मेरे साथ। तो बाकी फिर जो कबूतर व्हाट्सएप में पकड़े हैं उन कबूतरों की भी वीडियो मैं बना लूँगा, अगर आपका हुआ तो लाजमी आपको मिलेगा। यार ये छाता व्हाट्सएप की, ठीक है, ये देख लें ये छाता, तो अगर आपका कबूतर हुआ वो लाजमी आपको मिलेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। बस आपने सबसे पहला काम ये है, ये देखें कबूतर प्यासे हैं, सबसे पहला काम ये है आपने वीडियो बना के सेंड करनी है, ठीक है, निशानियाँ नशूनियाँ जो है वो बता देनी है, तो फिर मैं कबूतर की वीडियो बना के ना आपके साथ शेयर कर दूँगा, कबूतरों की जो 5 साल पकड़े हुए। अगर आपका हुआ तो फिर उस अकेले की वीडियो बना के सेंड कर दूँगा आपको, तो ले जाना आप, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बाकी फिर कल एक कबूतरी यार चलेगी अपनी गोल्डन सी, इतनी पुरानी कबूतरी है 3-4 साल, उसकी गंदी आदत ही नहीं जा रही, आती है महीने बाद आ जाती है, 2 महीने रहती है फिर चले जाती, फिर आ जाती है फिर चले जाती है। तो किसी भाई को कोई पता हो गया कि उसके साथ ऐसा क्या किया जाए कि वो ना जाए दोबारा बाहर घर ही वापस आए। मैंने तो बड़ी कोशिश की है, जोड़ों में भी छोड़ा उसे, जोड़ों में भी 3-4 महीने रह गए फिर निकल गई, वही तो समझ से भाई वो क्या करना चाह रही है। तो बाकी ये देखें कबूतर शबूतर ऊपर हैं, कबूतर शबूतर भी उतार रहे हैं, बाकी आपके साथ दूसरी वीडियो शेयर करनी है उसके ऊपर, ज़रा जो भाई अपने हैं, ज़रा आपका भाई जा रहा है ज़रा आउट ऑफ सिटी, ठीक है, तो उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा कल, ठीक है। तो जो कोई भाई भी उधर से हो वो ज़रूर रब्ता करें, उनकी छत पे जाएंगे, शो करेंगे, वीडियो बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है, तो वो वीडियो मैं लगाऊंगा कल, अभी सरप्राइज़ है, कल की वीडियो में बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ आ रहा हूँ। तो अगर उस सिटी का कोई भाई हो वो लाजमी रब्ता करें, ठीक है। तो बाकी फिर आपको मैं दिखाता हूँ इनकी डबरमी शबरमी क्या कर रहा हूँ, यहाँ अभी और घंटा रहने देते हैं ज़रा, पानी अच्छी तरह जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ही बेस्ट होगा, ठीक है। ये चेक करें कैसे प्यासे होंगे, ये इनके ही फायदे के लिए कर रहे हैं यार, वो देखें साथ वाला भी प्यासा है, वो भी प्यासी है, तो जितना ये सारा पी लेंगे तो माशाल्लाह उतना ही, ये देखें ये भी पट्टी देखें कैसे प्यासी हुई, टोटल मतलब के सारे प्यासे हुए हैं, ये देखें नीचे भी। तो इनका करना है सीन कोई, अभी इनको पानी शानी डालते हैं, दाना डाल के तो ये इधर अंदर से साफ़ हो जाएंगे, फिर ये बच्चे बुच्चे भी अच्छे पालेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे हमने सारे बाहर ही छोड़ने हैं बाबा जी, तो कुछ भाइयों को भी देने हैं बकाया, खुद ही छोड़ने हैं, तो इसलिए जितनी अच्छी पलवाई होगी उतना ही हमें फ़ायदा होगा, समझ रहे हो। कुछ कबूतर ऊपर हैं, इनके साथ भी ना मेंटेन करना है कोई सिस्टम, पर समझ कुछ नहीं आ रहा क्या करें। ये देखें कोई काफ़ी 12-13 कबूतर ऊपर हैं, ये देखें ये चिट्टा कबूतर है मेरा सियालकोटी, इसके साथ लाल आंखों की मैंने माती डालनी है पर मुझे मिल कोई नहीं रही लाल आंखों की। वो पीछे चेक करें जाल चिड़ी मारों का, एक ये छत भी तैयार हो गया, ये सामने नज़र आ रही है ना जो ये वो देखें, ये छत भी तैयार हो रही है, गुड्डा शुड्डा बनाया जी उन्होंने, तो अपना भी देन है कि ये फ्रेम ऊंचा कर दें थोड़ा सा, इसको 12-13 फुट पे कर दें और ये टोटल बना दें आगे तक, देख रहे हैं ना वो जहाँ तक फटी है ना वहाँ तक टोटल हो जाए, और इसकी जो चौड़ाई है ये वाली ये यहाँ तक हो जाए प्रॉपर, इधर तक हो जाए 12 फुट ऊंचा हो जाए, बाकी ये सारा बन जाए डब्बा, कबूतर नीचे उतरने वाला सिस्टम ही कोई ना, ऊपर से ही अंदर करें, ऊपर चपेट बनाएंगे, ठीक है, चपेट से अंदर की है निकाल नीचे से दिए, ठीक है। ये देखे इधर हम वो लगाएंगे ना, वो जो नहीं है स्लेटें स्लाइड, एक इधर लगा लेंगे एक इधर, तो शाम को जब दाना शाना डालना हो, ये स्लाइड खोली कबूतर नीचे स्लाइड बंद, अगर कबूतर उड़ाना है एक उड्डे से निकाले उड़ाए, कबूतर जैसे जाते बैठी गए ऊपर से डाली गए अंदर,
और यहाँ से निकालिए ये सिस्टम, और दूसरा सिस्टम इधर होगा जोड़ों वाला का। जोड़ों वाला का भी जब धूप शूप निकली सही कड़ाकी, जोड़ों वाले की स्लैड खींची सारे ऊपर चढ़ा दिए, ठापे छापे माने इंजॉय करें, कबूतर भी फिट रहेंगे और जाड़ भी खुला डुला हो जाएगा और शौक भी अपना अच्छा हो जाएगा। बगैर व्हाट्सअप पता नहीं ऊपर है कि नहीं है, वो चादर शदर तो पड़ी है। बाकी अब तो अपना तो सुकून हो गया, सन्नाटा मौसम अब गंदे ही हो गए हैं, गैर शहर वाले ये देखें अब मौसम हो रहा है चेंज, ठीक है। रात को आपको पता कैसे ठंड होती है, इतनी ठंडी हवा होती है रात को कि सर्दी लगना शुरू हो जाती है, बाइक पे बंदा कहीं जाए ना तो सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो बाकी अब इनका दाना छाना करते हैं जी, दाना छाना करके बंद करते हैं। ये कबूतर अपने रह गए हैं कुछ थोड़े से, तो इंशाल्लाह करेंगे तैयारी, लावे छोड़ते हैं बच्चे कोई 25-30 तो बच्चे होने चाहिए ना, ज़्यादा नहीं तो 25-30, अगर ज़्यादा फिर 50 बच्चा, टोटल 50 छोड़ेंगे, ज़्यादा ही छोड़ेंगे उससे, तो उनमें से फिर इनकी करेंगे ट्रेनिंग, फिर जो जो समझ में आता जाएगा, जो जो अच्छा उड़ता जाएगा उसको गोल कर ही जाएंगे, कोई ज़्यादा ही मतलब कि छोटे होंगे खपे डाल के छोड़ेंगे ऊपर नीचे हों, दो दो तीन दिन पड़ के हो जाएंगे अंदर से साफ, खुद ही उड़ना शुरू होंगे, फिर रंग शंग लगा के इनको प्रॉपर तैयारी देके, जाल ऊंचा होगा ना मज़ा आ जाएगा, ये चेक करें ये यहाँ से ले के ना यहाँ से ये पूरा चौड़ा हो जाएगा, 6.5 फुट बो है और 4 फुट 10 फुट ऐसे चौड़ा, 13 फुट हो जाएगा ऐसे लंबा, ये देख 13 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा, और ऊपर इसकी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 12 फुट ऊंचा या 13 फुट, ठीक है ऊपर आ जाएगा वो, फिर ऊपर चपेड़ एक बनाएंगे, चपेड़ बना कर आराम सुकून से इजी मोड़ वाला सिस्टम हो जाएगा, अपने भी इजी हो के बैठेंगे, किसी का भी बैठेगा तो वो भी इजी हो के रबी ढक्कन होगा, समझ रहे। तो देखते हैं अब क्या करना, फिर बाकी सारे बिल्ले तक वीडियो बन जा देना यार, बाकी ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है।